शहर के अजमेर रोड सिद्धारी धाम पर गुरुवार को भाद्रपद अमावस्या के मौके पर अमावस्या महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर दादी धाम ट्रस्ट की ओर से विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महोत्सव के प्रारंभ में गुरुवार सुबह 5:15 बजे से मंगला आरती की गई। इसके पश्चात दादी पूजन तथा जात धो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महोत्सव शुभारंभ के मौके पर सुबह 9:15 बजे दादी परिवार न्यास के अध्यक्ष लता मंगल, उपाध्यक्ष मानक दानी, श्रीमती कुसुम दानी, गणेश प्रसाद बुधिया, केदारमल गर्ग, रमेश सिंघल, लीली सिंघल, बालकिशन दानी, पूर्वा दानी, पूर्णिमा परिहार तथा बद्री प्रसाद गर्ग आदि ने ध्वज पूजन किया। इस दौरान पंडित लीलीधर झा, पप्पू झा तथा छगन लाल ने पूर्ण विधि विधान के साथ ध्वज पूजन कराया। ध्वज पूजन के बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात दादी के चल विग्रह का पंचामृत से अभिषेक किया गया। अभिषेक के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने दादी के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर दोपहर में नंदोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण दीवानी स्वरागिनी भजन मंडली की चंचल सोनी विशालिनी शर्मा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। भजन सरिता में उपस्थित महिला तथा पुरुष श्रद्धालुओं ने नृत्य करते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से पूरे मंदिर परिसर को गुंजायमान कर दिया। शाम को महाआरती के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दादी भक्तों तथा शहरी वासियों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे साल भर का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। पूरे देश के भक्त लोग झुंझुनू दादी धाम पर पहुंचते हैं और वह दादी जी की पूजा पाठ अर्चना के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। ब्यावर भी झुंझुनू वाली दादी जी की तर्ज पर बना हुआ दादी धाम है, जहां पर आज ये कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। दादी जी की सुबह पूजा अर्चना से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और अभी दादी जी के जो है अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और कल सुबह मंगल पाठ मंगल दर्शन के साथ ही दादी जी की पूजा अर्चना का कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा।